जीवन की लड़ाई के साथ में अपनी जीविका की लड़ाई को जारी रखा और फिर भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया, मैं आपको उसके लिए साधुवाद देता हूं। ईश्वर आपको इसी तरह से हिम्मत दे। की इंडस्ट्रीज को लेकर के सू इंडस्ट्रीज है, उसको लेकर के आपने जो इनोवेशन किया है लेदर की डाई करने का, वो क्या है और क्या कॉस्ट पे फर्क पड़ रहा है उससे क्या है? एक्चुअली आप देखेंगे, ये अभी इंडिया में एक बहुत बड़ा मिथ है कि भारत में कुछ नहीं हो सकता। अगर आप देखेंगे जितने भी यूरोपियन बायर आते हैं, तो वो यूरोपियन बायर क्या होते हैं कि वो अपने देश की इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए कोशिश करते हैं और हर आगरा के मैन्युफैक्चरर से ये बोलते हैं कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करिए वो यूरोपियन प्रोडक्ट यूज़ करिए। तो अभी पिछले विगत कुछ सालों से एक प्रोसेस चल रहा था हमारे क्रस्ट लेदर में फिनिशिंग के लिए, जिसमें लेदर को डिप करना होता था। एक तो वो सॉल्वेंट बेस्ड प्रोडक्ट होता है, तो सॉल्वेंट बेस्ड प्रोडक्ट होने की वजह से उसकी फ्यूम्स जो होती हैं, स्मेल होती है, वो हार्मफुल भी होती है बॉडी के लिए और प्रोसेस भी बहुत लेंथी होता है और बहुत कॉस्टली होता है। लगभग एक पेयर शूज़ में 60 से 70 रुपये की डाई तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो पेनिट्रेट हो जाती है, उसके बाद फिर उसमें और क्रीम्स वगैरह और सब कुछ लगता है, तो वो एक बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है और महंगा प्रोसेस हो जाता है। तो उसको हमने फिर एक डाई से ही एक क्रीम का इमल्शन प्लस डाई, उसको लेके हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया कि जिससे वो कॉस्ट भी जूते की सस्ती हो जाती है, जो हार्मफुल भी नहीं है, एनवायरमेंट के लिए भी सेफ है और इसकी कॉस्टिंग भी लगभग मैक्सिमम 20 रुपये। ये मेड इन इंडिया है पूरा जो ये बनाया है? अभी जो हम जिसके लिए वो किया है, जो इस बार स्टॉल हमने लगाया था और जो प्रेजेंटेशन था, वो मेड इन इंडिया है। तो इसको लेकर के यहाँ आगरा में कितनी डिमांड है और आगरा के अलावा कहाँ कहाँ डिमांड है इसकी? आगरा के अलावा कानपुर में है, जलंधर में है, दिल्ली में है, नोएडा में है, और चूँकि अभी हमारे लिए मैं एक छोटे से हादसे से गुजरा हूँ, मेरा छोटा भाई अभी एक रोड एक्सीडेंट में, हम लोग दोनों थे, मैं भी तो हम लोग चेन्नई में थोड़ा मूव नहीं कर पाते, चेन्नई हमारे से दूर पड़ता है, बाकी डिमांड तो हर जगह। जैसे आपने शुरुआत कब की थी इसको और अब कितना ऊपर लेके पहुंच गए, कितना इसका टर्नओवर होगा? 1996 में मैंने इसको मेड इन इंडिया मेड इन इंडिया से शुरू किया था, बट बीच में आज भी मेरे पास एक यूरोपियन कंपनी है जिसका मैं इंडेटिंग हूँ, जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन हमारा आज अगर आप देखें जो हमारा मेड इन इंडिया ब्रांड है, इसलिए उसको हमने बिल्कुल पैरेलली इटालियन के बराबर ले जाकर खड़ा कर दिया। जब ये यहाँ से सोच जो आपका कंपोनेंट यूज होता है वो बाहर जाता है सोच, तो कोई इटली के मुकाबले जो आपके पास है उसमें कोई वो तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वही डिमांड है। सिर्फ क्या होता है उस टाइम थोड़ा सा डिफिकल्टीज क्रिएट होती हैं जब बायर या बायर का रिप्रेजेंटेटिव जब वहाँ अवेलेबल होते हैं और वो देख रहे होते हैं, तो वो जो रिकमेंड करेंगे, अगर यूरोपियन बायर है तो डेफिनेटली वो यूरोपियन प्रोडक्ट ही लगाएगा। बट अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट से बड़ी भी मार्केट हमारी डोमेस्टिक मार्केट है, जिसमें बहुत बड़ी डिमांड है।